आगे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ कर्मचारी पोस्टल बैलेट पेपर के साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के निर्वाचन आयोग से शिकायत के बाद अब इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सीईओ अनुपम राजन ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी कलेक्टर से मांगी है। तो वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि ये अत्यंत गंभीर मामला है, दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं वह 3-tier व्यवस्थाएं, पहले उसमें सीएपीएफ का बल लगा है, दूसरे उसमें हमारा एसएफ का गार्ड लगा है और तीसरे में डीएफ की व्यवस्था है। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हमारी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बैरिकेटिंग हो चुकी है, जो कार्डन उसको अलग अलग, जैसे अभिकर्ताओं का अलग कार्डन है और हमारे जो ईवीएम की जो मशीन आएगी उसका एक अलग रास्ता तय किया है। तो वो हम पूरी तरह उसको बिल्कुल सुरक्षित कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं और कंप्लीट व्यवस्था की जा रही है और लगभग सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। और इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे जो पहले से लगे हैं 32 कैमरे और इसके सिवाय 42 कैमरे और लगाए जा रहे हैं, ताकि जो मतगणना के दिन जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो जो उसके नॉर्म्स है देखने की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था की जा रही है। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभा वार छटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी से श्री निराला सिंह बघेल और विनय दसेरिया, भारतीय जनता पार्टी से कृष्णपाल सिंह बिसेन और अन्य दीगर प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम खोला गया था, उनकी उपस्थिति में ही इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्ट्रांग रूम बंद किया गया। मैं पुनः कह रहा हूँ, पोस्टल बैलेट जो हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, किसी भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है, किसी भी पोस्टल बैलेट की गिनती जैसी कोई बात नहीं है। मतगणना अपने अपने जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित दिनांक है, उस पर 3 तारीख को होगी। तो ऐसी स्थिति में बालाघाट में कल जो घटना हुई है, जिससे वहाँ के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा उन्होंने 5 दिन पहले जो पोस्टल बोर्ड का स्ट्रांग रूम था कचहरी का, उसे खुलवा दिया, उसमें गड्डियां बनाई जा रही हैं, वोटर छेड़छाड़ की जा रही है, पूरी टीम बैठी हुई है। ये सारी बातें साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहारे पर हो रही है, जिससे कि पोस्टल बोर्ड से हेराफेरी कर सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने संख्या पहले ही व्यक्त की है कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावना सरकार नहीं कर सकते। इसमें चुनाव आयोग से मांग की है कि पोस्टल बैलेट को सबसे पहले गिना जाए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, उसके आगे कार्रवाई की जाए। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ती है और ये हमने हमेशा देखा है। तो आज कांग्रेस के जितने भी सर्वे उनके आ रहे हैं वो उनके दुर्भाग्यजनक हैं उनके लिए। तो स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले अधिकारियों के ऊपर। और कहीं पर यदि कांग्रेस के नेता गड़बड़ी भी करें चुनाव के मतगणना में, तो कोई आश्चर्य की बात